नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। पराली और प्रदूषण को लेकर सरकार तैयारियों की बात कह रही है, लेकिन बावजूद इसके पराली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदूषण को लेकर सरकार की कोशिशें नजर नहीं आ रही, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और एनजीटी जवाब मांग रही है। पराली को लेकर सवाल उठे फतेहाबाद में, जहां किसान पराली का ढेर लेकर प्रशासन के पास पहुंच गए। प्रशासन को पराली खरीदने के अपने वादे की याद दिलाई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने भी जवाब मांगा है। आपको बता दें कि कल ही कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रहा है, एनजीटी जवाब पे जवाब मांग रही है। आपको पता होगा कि कल ही दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई एक्शन प्लान के लिए, हालांकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने तो अपना जवाब दाखिल कर दिया है। फिलहाल क्या ताजा हालात बने हुए? देखिए, कल एनजीटी में काफी महत्वपूर्ण सुनवाई प्रदूषण को लेकर, और एनजीटी की तरफ से दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। और एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कहा है कि आपने पिछले दिनों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं, वो पूरा का पूरा एक्शन प्लान आप 48 घंटे के अंदर एनजीटी के अंदर रखिए। यानी कल दिल्ली सरकार को इस पर अपना जवाब दाखिल करना। और एनजीटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो क्रिकेट मैच चल रहा है, जो टेस्ट मैच भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा है, उसमें आपने भी देखा था कि जो श्रीलंका के खिलाड़ी थे वो मास्क पहनते थे उतरे थे। तो ऐसे में एनजीटी तरफ से भी कहा गया कि जो क्रिकेट मैच में भी इस तरह का व्यवधान पड़ रहा है, तो ऐसे में कल दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगी। और दिल्ली सरकार को ये कहा गया है कि आज दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं प्रदूषण कम करने के लिए, वो पूरा का पूरा आंकड़ा, वो पूरा का पूरा एक्शन प्लान एनजीटी में रखा है, कल दिल्ली सरकार रखेगी। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा और यूपी को भी कहा गया है कि आप भी एक हलफनामा दीजिए, क्योंकि प्रदूषण को लेकर एनजीटी काफी सख्त हो रही है। क्योंकि जो पराली की वजह से जो स्मोक हुआ था, जो वाहनों की वजह से जो स्मोक हुआ था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर में उत्तर भारत का जो माहौल था, जो मौसम था, काफी खराब हो चुका था पिछले दिनों। अनिल, बात पराली की करें तो सरकार ने पराली खरीदने का वादा भी किया और कहा कि इसका उपयोग जो है वो किया जाएगा ताकि किसानों को भी समस्या ना हो, लेकिन किसान जो है वो थोड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वो अपनी ट्रॉलियों समेत पहुंच रहे हैं जिला सचिवालय की तरफ, तमाम जगहों पर कूच कर रहे हैं। अभी भी पराली की समस्या का कोई समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि जैसे धान की खरीद की जाएगी उसी तरीके से पराली की खरीद भी की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्रालय है, जो केंद्र के कृषि मंत्री है, वो भी कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों की पराली भी खरीदी जाएगी। अब देखना होगा कि पराली खरीद कब से स्टार्ट होगी। एक मामला एनजीटी के अंदर भी चल रहा है, एनजीटी भी लगातार राज्यों से रिपोर्ट तलब कर रही है। पिछले दिनों एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे, खुद कृषि सचिव भी मौजूद थे, और राज्यों से यही एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि आखिरकार राज्यों को किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो पराली है, पराली को जो पहले से बनाए जाएंगे, आपको याद होगा कि एनजीटी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एनजीटी ने एनटीपीसी को कहा था कि आप पराली से बिजली बना लीजिए, और जो पराली है, पराली के पैलेट्स बनाए जाएंगे वो एनटीपीसी में जाएंगे। अब देखना ये होगा कि राज्यों को किस तरह की संसाधन केंद्र की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं, राज्य केंद्र राज्यों की कितनी मदद करता है, फिर राज्यों की तरफ से किसानों को किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। क्योंकि किसानों का ये कहना है कि पराली पे उनको, धान पे उनको पहले ही कुछ नहीं बचता, और ऊपर से अगर वो पराली खुद काटेंगे तो उनको कुछ बचते नहीं, क्योंकि उनके पास उतने मैन पावर नहीं है, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। देखना ये होगा कि केंद्र की तरफ से कितने किस तरह के संसाधन किसानों को अवेलेबल करवाए जाते हैं, फिर जो किसानों को संसाधन मिलेंगे उस आधार पर किस तरह पहले से बनाए जाएंगे, फिर एनटीपीसी में जाएंगे। देखना जो सारी की सारी चीजें भी जो अगला जो सेशन आएगा तब तक पता लग पाएगा। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इस मसले से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदूषण का स्तर फिर डरा रहा है, पराली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और एनजीटी सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन न प्रदूषण को लेकर सरकार की कोशिश दिखाई देती है और न ही पराली खरीदने के सरकार के ऐलान में सच्चाई नजर आती है। फतेहाबाद में किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसान पराली लेकर लघु सचिवालय पहुंचे।
किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि सरकार ने पराली खरीदने की घोषणा तो कर दी लेकिन पराली खरीदी नहीं गई। किसानों के खेतों में पराली के ढेर लगे हुए हैं। पराली नहीं खरीदी गई तो किसानों को जारी नोटिस वापस लिए जाएं, उन पर दर्ज मुकदमों को भी खारिज किया जाए। सरकार ने एक बयान दिया था कि हम हरियाणा के किसानों की पराली करीब 15,000 रुपए के एक एकड़ के करीब जो नाम देंगे, तो वो उन्होंने खरीद तो कहीं शुरू नहीं की। हम प्रशासन के, जिला प्रशासन के माध्यम से हरियाणा सरकार, मोदी और खट्टर के जो पाखंडी राज है, उनको ये बताने के लिए आए कि घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, तुम खरीद करो, मुफ्त देने के लिए आए आदि। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार किसानों को लेकर अपना गुणगान करने में लगी है। वहीं एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और हरियाणा सरकार से एक्शन प्लान के बाद हलफनामा दायर करने की बात कही। दिल्ली सरकार को एनजीटी ने फटकार लगाई। प्रदूषण पर एक्शन प्लान नहीं देने पर फटकार लगाई गई। हरियाणा यूपी को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। पराली ही नहीं प्रदूषण को लेकर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। फरीदाबाद में सरयाम कबाड़ में आग लगाई जा रही है। मुजेसर गांव के पास कंपनी की चिमनी से आकाश में धुआं भी छोड़ा जा रहा है। एनजीटी के सख्त आदेश के बावजूद प्रशासन सख्त कदम उठाता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों फटकार के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुलती और क्यों पराली और प्रदूषण को लेकर कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फतेहाबाद का कर लेते हैं, जहां से संवाददाता जितेंद्र मुंगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रहा है और ऐसे में पराली का भी कोई विकल्प किसानों को मिल नहीं पा रहा, वहां पर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं? परिस्थितियां जो बेहद खराब है और किसानों की ओर से इसको लेकर प्रदर्शन भी लगातार किए जा रहे हैं। कल भी किसान पराली को लेकर फतेहाबाद के लघु सचिवालय में पहुंचे। वैसे उनका साफ तौर पर यही कहना था, सरकार की ओर से घोषणा तो कर दी गई है, अभी पराली को हम खरीद लेंगे, लेकिन इसको लेकर वो कहां जाएं, किससे मिलें और क्या आगामी रहेगा, इसको लेकर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। और पराली उनके खेतों में पड़ी है, उन्होंने बिजाई आगामी करनी है, तो इसको लेकर साफ जो स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। जितेंद्र, अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है क्या, क्योंकि किसान परेशान है, क्या उनके पास ऐसा कोई भी प्लान है या कोई तरीका है जिससे कि इन किसानों की मुश्किलों को हल किया जा सके और पराली का सदुपयोग किया जा सके, कुछ कोई जानकारी आपको मिल पाई है? इस मामले में किसान जो है जिला उपायुक्त से भी मिले और उन्होंने कहा भी सरकार से लगातार संपर्क में है और क्या नीति इसको लेकर रहती है। घोषणा सरकार की ओर से हो चुकी है लेकिन जो इसको लेकर नीति क्या बनाई गई है, पराली किस प्रकार एकत्र की जाएगी, कहाँ भेजी जाएगी, इसको लेकर कोई दिशा निर्देश अब तक हालांकि नहीं आया। लेकिन हाँ, ये सख्त लहजे में प्रशासन की ओर से जरूर किसानों को कहा गया, अगर उन्होंने पराली को जलाई या जलाने का प्रयास किया तो इसको लेकर जो मामला जो है दर्ज कर दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए फतेहाबाद से संवाददाता जितेंद्र मुंगा हमारे साथ जुड़े थे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसान नेता अशोक मलिक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाली को लेकर जिस तरीके से और प्रदूषण को लेकर सरकार की कोशिशें नजर आ रही हैं, वो नाकाफी नजर आ रही हैं, एक किसान नेता होने के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, जो प्रणाली का जहां तक सवाल है, जो हम काटते हैं, जैसे आछे अपनी जो काट लेते हैं उसको तो सारा आ जाता है, लेकिन जो कंबाइन से जीरी कटवाई जाती है उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उसको ना जलाएं तो अगली फसल नहीं बोई जाएगी, क्योंकि जब तक धरती में वो जो समार नहीं होगा, बढ़िया साफ सुथरी नहीं होगी, तो गेहूं आगे जो बोना तो नहीं होगा। तो सरकार ने जो वादा किया था, भाई सरकार इसको जो पराली का समाधान करेगी। देखो, ये तो सरकार, अगर हम नहीं जलाएंगे, सरकार ऑप्शन ढूंढे, भाई सुप्रीम कोर्ट का भी, कोर्टों का भी आदेश है कि भाई इनके लिए जो है सरकार ऑप्शन ढूंढे, सरकार ले। सरकार ने घोषणा तो कर दी हम 550 रुपए क्विंटल लेंगे, लेकिन खरीद कहीं हो नहीं रही, किसान परेशान है, कहाँ लेके जाए। अगर उसको जलाते हैं तो फिर केस दर्ज होते हैं, ये भी एक अन्याय है किसान के साथ, क्योंकि कोई भी सरकार आए, आज भी जब भी चुनाव होंगे किसान याद आता है, किसान के बगैर कोई सरकार नहीं बनती, किसान के मुद्दे को लेकर हर कोई बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन वही डाके तीन पात। आज देखो कितना किसान परेशान, अब अगली जो गेहूं की फसल की बिजाई जो निकली जा रही है, और 10-15 दिन में मुश्किल से बिजाई रह गई, अगर पराली को नहीं जलाएंगे, साफ करेंगे, दूर करेंगे क्या, भाई ये समस्या तो ये है ना। सरकार इसका
वो ढूंढे कोई, जैसे गत्ता फैक्ट्री है और है, बिजली के जैसे कारखाने और जहां भी, ये तो बहुत सी जगह खप सकती है। अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो इसको सरकार जो अपने किसान को अगर परेशान नहीं करना चाहती तो ले सकते, किसान कहीं भी इसको खपाया जा सकता। बहुत बड़े बड़े गत्ते हैं, मिल है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही हमने इसमें। जी चलिए, संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। राजा, प्रदूषण जो है एक बार फिर से अपने चरम स्तर पर है। आपने देखा किस तरीके से लोग पहले भी परेशान थे और कल परसों की आपने खबर भी सुनी होगी कि जहाँ श्रीलंका के खिलाड़ियों की तबीयत भी खराब हो गई भारत में आके, और प्रदूषण के स्तर की वजह से, खासतौर पर दिल्ली में मौजूद रहने की वजह से। हरियाणा में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। पराली जो एक बड़ी समस्या है उसका अभी तक निदान नहीं हो पा रहा है, ऐसे में क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा न्यूज की टीम ने कहीं ना कहीं परसों देर रात रियलिटी चेक किया था पोल्यूशन को लेकर। लगातार तब हम ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में गए थे और ऐसी लोकेशन पे गए थे जहाँ पर लगातार हरियाणा न्यूज को शिकायतें मिल रही थी। मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी है, कंपनी के आगे कहीं ना कहीं जो गोडाउन थे उनमें केमिकल्स जलाए जा रहे थे, काफी मात्रा में धुआं जो कि उठ रहा था, जिससे लोगों को काफी वहां पर परेशान होती। सुबह जब हमारे हरियाणा न्यूज की टीम द्वारा वहीं पहुंची तो जो गोडाउन है, कवाड़े के गोडाउन में आग लगाई जा रही थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आपने भी जिक्र किया कि दिल्ली में जिस तरीके से श्रीलंका का मैच हो रहा है, 3 से 4 बार मैच आज भी रुका है और कल भी इस तरीके से मैच रुका है। लगातार तबियत जो खराब हो रही थी खिलाड़ियों की, तो कहीं ना कहीं सरकार और जो अधिकारी हैं, जो फरीदाबाद की बात करें, जो अधिकारी कहीं ना कहीं गंभीर नजर नहीं आ रहे, लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी चलिए राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रदूषण, पराली और सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक मलिक जो किसान नेता बने हुए हैं, और तमाम संवाददाताओं ने भी अपने अपने जो क्षेत्र हैं वहां से जानकारी दी है कि क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, और कमोबेश हर जगह से यही तस्वीर हमारे पास आ रही है कि इस वक्त हालात जो है वाकई डराने वाले हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अशोक मलिक जी, आपको क्या लगता है, संवेदनशीलता की कमी है सरकार के अंदर जो इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, और अक्सर इसका शिकार जो है किसान को ही होना पड़ता है? वो मैं पहले ही बता दें, देखो जी, किसान तो, किसान को परेशान करना हर सरकार पता नहीं अपना क्या मकसद ले गया थे, हर सरकार ही परेशान करती है, कोई किसी मुद्दे को ले, कोई किसी मुद्दे को। आज सरकार पिछले साल जो धान का भाव नहीं था बिल्कुल भी, किसान परेशान था, धान में बीमारी आ गई थी। अब की बार जो है थोड़ा धान का भाव ठीक आया तो ये समस्या आएगी, अब किसानों पर केस बढ़ने लग रहे हैं। तो सरकार ने सोचना चाहिए ना, भाई ये किसान अन्नदाता है, वो क्या करे, समस्या मजबूर कितनी है, ये तो इसका हमने हल ढूंढने के लिए सरकार को चेताने के लिए 17 दिसंबर को, इसी 17 दिसंबर को कलायत के अंदर जो है पूरे हरियाणा का कमेरा वर्ग की जो है पंचायत बुलाई है, जिसमें ये मुद्दा तो उसमें आरक्षण का भी है, मेन मुद्दा तो जाट आरक्षण का, लेकिन ये मुद्दा भी साथ साथ, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों से जुड़ा है तो हम भी किसान हैं, तो इसलिए ये मुद्दा भी वहाँ जो है जोर शोर से उठाया जाएगा और समस्या का समाधान के लिए सरकार को चेताया भी जाएगा कि भाई क्यों परेशान करते हो किसान को, एक तो भाव नहीं, ऊपर से इस तरह के जो छेद कंडे केस, हम खेत में जाएं या भाई केस भुगतेंगे, क्या करेंगे। देखो समाधान तो सरकार के हाथ में ही है, सरकार चाहे तो एक मिनट में इसका समाधान कर सकती है। चलिए लौटेंगे आपके पास, संवाददाता नितिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, आवाज मिल रही है आपको? जी, क्या जानकारी है कैथल से, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और पराली को लेकर भी कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे में किसान कितने परेशान हैं और क्या विकल्प तलाशा जा रहा है प्रशासन और सरकार की तरफ से वहाँ पर? जी, सरकार ने पराली खरीदने का आदेश तो दिए थे, लेकिन ये आदेश निरर्थक रहे क्योंकि सीजन खत्म हो चुका था, और जो अभी कैथल के अंदर प्राइवेट पराली खरीदी जा रही है, गवर्नमेंट ने पहले 5,000 रुपए रेट निकाला, लेकिन प्राइवेट जो पराली खरीदने वाले 4,000 भी नहीं दे रहे किसानों को, ये सिर्फ बातें हवा हवाई थी। विपिन, किसानों से कोई बातचीत हो पाई है क्या, उनकी नाराजगी किस तरह की है? किसानों का कहना कि ये योजना अगर इनको निकालनी थी जो फसल कटने से पहले निकालनी थी, वो अपनी आधे पौने दामों पर पराली बेच चुके हैं या वो जला चुके हैं, तब इस योजना का कोई लाभ नहीं है, एक ये तो पूरे एक साल के ऊपर चली गई बात। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो पराली नहीं खरीदी गई तो किसानों को जारी नोटिस वापस भी लिए जाएं, ये भी कहना है किसानों का। और सरकार ने पराली खरीदने की घोषणा तो कर दी है लेकिन पराली खरीदी नहीं गई है। अशोक जी, क्या विकल्प ऐसे में किसानों के सामने बचता है, और अगर ये विकल्प भी नहीं सामने बचता है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? विकल्प तो यही है हमारे को, तो देखो अब अपनी गेहूं की बिजाई करनी है। अगर गेहूं की बिजाई लेट होगी तो फिर वो गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं होगी, वो भी एक समस्या है। क्योंकि जो जमींदार है, जो बड़े बड़े जमींदार हैं जो खेती नहीं करते, जो छोटे किसान हैं उनसे उनके जो है जमीन को जोतते हैं तो को 50,000 रुपये किला 40,000 रुपये एकड़ के भाव से उनको देते थे, तो 40,000 उनको दिया, फिर भाई इस तरह की समस्या आ जाए तो किसान तो मारे जाएगा। तो ये है ना, सरकार ने चाहिए कि इस तरह की अगर कोई नीति बनाती है तो जैसे कटाई शुरू होते ही साथ के साथ जो है खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि उस साथ के साथ अगर खरीदारी खेत साफ होगा तो अगली फसल के लिए भी जो हमारा को जो अच्छा मौका मिलेगा। तो सरकार जो है नीति तो बना देती, उस पर काम नहीं करती, सबसे बड़ी समस्या ये है। और फिर दूसरी, अगर नीति कहाँ कमी रह जाती है, कोई भाई नीचे से लेकर ऊपर तक सतर में जो या अधिकारी गड़बड़ करते हैं, कौन करता है, ये सरकार ने देखना चाहिए, उनके जो एक्शन लेना चाहिए कि वे कहाँ गड़बड़ हो रही है, तंत्र में कहाँ जो है खामियां हैं, तो ये सरकार को देखना चाहिए ना। इसके तरह से कि वे किसान क्यों परेशान हो रहा है, किसान रोड पे क्यों आ गया, क्योंकि किसी को शौक थोड़ा अपना घर बार छोड़ के भाई ये जगह जगह प्रदर्शन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, हम मजबूर हो जाता है किसान, इसीलिए घर से बाहर निकलता है। तो इस सरकार को इसमें ढूंढना चाहिए कमी क्या है, और इसका जो समाधान निकालने के लिए सरकार को जो है ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की नौबत ना आए। चलिए लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ परिमल वर्धन जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परिमल जी, आवाज मिल रही है? मिल रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर पराली को इसके लिए जिम्मेदार जिस तरीके से ठहराया गया है उसको लेकर भी सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, एनजीटी लगातार जवाब मांग रही है, ये परिस्थितियां आप कितनी गंभीर मान रहे हैं? नहीं, बहुत दुखदायक है, सरकार सिर्फ टालती रहती है अब, और ब्लेम चल रहा है किसानों के ऊपर, ब्लेम चल रहा है सिटीजन्स के ऊपर, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ नोटिस पे नोटिस जाती है, डिबेट होती है, पॉलिसी बनाते हैं, ग्राउंड में कुछ काम नहीं हो रहा है। परेशान परेशान किसान भी है, परेशान आम आदमी भी है। जैसे हमने उस दिन एक मीटिंग की थी आपके एमसीजी कमिश्नर के साथ, उनको बिल्कुल दिखाया गया गुड़गांव में कम से कम कई जगह में अभी भी कूड़ा जलाए जा रहे हैं, धूल उड़ रहा है। पराली तो एक सीजनल समस्या है, मगर दूसरी बड़ी समस्या जो है सारा साल कूड़ा जलाना, उससे धुआं, धूल, जो कंस्ट्रक्शन होता है अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है, रास्ते पेव नहीं है, रिपेयर ठीक से नहीं होते हैं, धूल उड़ता रहता है। धूल और धुआं से जो समस्या है वो निपटने के लिए ये कोई कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहे हैं, यही तो समस्या है जी। और ये देखिए, दो हफ्ते पहले थोड़ा कम हो गया था, दो हफ्ता पहले ज्यादा था वो पराली जल रही थी, अभी किस कारण है? अभी तो पराली नहीं है, फिर भी जो प्रदूषण है लेवल है, AQI है, एयर के क्वालिटी इंडेक्स, वो 300 से ऊपर जा रहा है डेली, तो क्या क्या एक्शन उन्होंने लिया है? वो सोच रहे थे कि पराली जलने के टाइम में इसको ऐसे बोलते बोलते टाल देंगे, अब ठीक हो जाएगा जी। ये तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल। तो सरकार को एक खास मुद्दे पर, ये मुद्दा है खास है, उसके पर खास कदम लेना है ग्राउंड में, ये जलाना कैसे बंद किया जाए, किसान को बदनाम करके उनको दोषी देने से काम तो निपटने जाएगा ना, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, और उनका जो पराली है वो खरीदना पड़ेगा, तब तो समस्या का हल निकलेगा ना, बिल्कुल। फिर बोलेंगे जलाओ मत, वो क्या करें जी। बहुत शुक्रिया परिमल जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। अशोक जी, आखिरी सवाल मेरा, इस मंच के जरिए सरकार तक अगर कोई बात पहुंचाना चाहे आप तो? देखो, सरकार को तो हमारा यही कहना, जो ये साहब जी बोल रहे थे ठीक कह रहे हैं कि पराली देखे रोहतक सोनीपत झज्जर,
जो एनसीआर का एरिया, यहाँ पराली बहुत कम जलाई जाती है, यहाँ तो तकरीबन आछे काटे जाते हैं। ये बहुत आगे का मामला है, दूसरी साइड पंजाब साइड से। लेकिन सरकार से फिर भी हमारा ये कहना है भाई, सरकार इसका समाधान निकाले। अगर समाधान इसका सरकार कोई नहीं निकालती है तो 17 दिसंबर को कलायत, कैथल जिला कलायत में होने वाली जो है पंचायत में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और अपने कमेरे वर्ग के और अपने भाइयों के आगे आंदोलन की जो भी रूपरेखा होगी वहां जो हमारे पूरे पूरे हरियाणा और पंजाब से भी जो है हमारे भाई वहां इकट्ठे होंगे तो हर समस्या का, क्योंकि मुद्दा जाट आरक्षण का है लेकिन साथ साथ ये भी मुद्दा हमारा ही है जो किसान, हम खेती करते किसान हैं जो सारे भाइयों का। तो 17 तारीख तक या तो सरकार कोई समाधान ढूंढे, नहीं तो कलायत में फिर इसका जो है हम आगे आंदोलन की जो भी घोषणा होगी हमारे वहाँ सुबह सिंह समेण जी दया सब सर्व जाट खाप और सारे संगठन वहाँ और जो भी हमारे समय और भी हैं जो हमारी जातियां जो साथ में हैं जाट जट सिगरोड़ त्यागी बिश्नोई और मूला जाट सभी वहाँ इकट्ठे होंगे और इस पर फिर ठोस निर्णय लिया जाएगा और आगे जो है प्लान करेंगे अगर सरकार नहीं चेतती है तो 17 तारीख तक। चलिए बहुत शुक्रिया अशोक मलिक जी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसान भी अब लामबंद नजर आ रहे हैं, ऐसे में सरकार के सामने विकल्प यही बचता है कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जो भी तमाम समस्याएं हैं उसका हल निकाला जाए। खास खबर में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।